लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसपी के विधायकों का धरना प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरने पर बैठे हैं विधायक। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हुए हैं। तो एसपी विधायकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो ये बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां एसपी विधायकों का धरना प्रदर्शन। तो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरने पर बैठकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया जा रहा है। तो एसपी के प्रदर्शन में कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हुए हैं और एसपी विधायकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो लगातार कई मुद्दों को लेकर लगातार विरोधी दल प्रदेश सरकार पर हमलावर है और उसी के तहत आज एसपी के विधायकों की तरफ से धरना प्रदर्शन चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास दिया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के सदस्य भी एसपी के साथ शामिल हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हुए हैं। तो एक साथ होकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। तो एक तरफ आज बजट सत्र जो है वो यूपी का शुरू होने जा रहा है और उससे पहले प्रदर्शन जो है वो कर नाराजगी को जाहिर करते हुए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरने पर बैठे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। और आपको बता दें कि सबसे खास बात यहां पर यह है कि समाजवादी के प्रदर्शन में कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हुए हैं। संवाददाता नरेंद्र यादव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, एक तरफ आज से यूपी का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, दूसरी तरफ एसपी के विधायकों का धरना प्रदर्शन, कहीं ना कहीं सरकार को चेताने की कोशिश सदन की कार्रवाई से पहले? बिल्कुल, तमाम विधायक यहाँ चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पर इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं जो तमाम मांगों को लेकर, महंगाई को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर है और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सदन में सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास करती है और जवाब देने से भागती है। इसके लिए जनता के बीच में एक संदेश जाए, इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे जनता से, जनता के बीच में सीधे रख रहे हैं और सदन में भी हम अपनी आवाज उठाएंगे और सरकार से इसका जवाब मांगेंगे। तो चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पर करीब एक घंटे हो गए हैं, प्रदर्शन जारी है और कांग्रेस के भी विधायक अब पहुंच गए हैं चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक तमाम सामान लेके आए हैं, जिसमें आलू, प्याज, धान और गन्ने की फसल लेके आए हैं और दिखा रहे हैं कि किसान विरोधी ये सरकार है और गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के विधायक भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि हम सरकार से इन सारी चीजों को लेकर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इन सारी चीजों का जवाब सरकार नहीं दे पाती है, भागती है और इसके लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो जनता की आवाज को बुलंद करने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को हम निश्चित तौर पर घेरेंगे और सदन में जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले हमको प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार जवाब नहीं देती है और पीछे निकल जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सदन शुरू होने से पहले जो विधायक तमाम दो दलों के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो रणनीति बनाए हैं, उसको देखकर अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि सदन आज हंगामेदार होगा और सरकार को विपक्षियों के कड़े प्रतिरोध। बिल्कुल, ये अटकलें तो पहले से ही कहीं ना कहीं लग रही थी कि हंगामा तो यहाँ पर जरूर होगा। R9 टीवी पर सबसे पहले ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से इधर ना प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार हमारे संवाददाता वहीं से हमें अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरह का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है सदन की कार्यवाही से पहले। बिल्कुल नरेंद्र, अगर बात करें यहां पर तो साफ तौर पर पहले ही ये कयास लग रहे थे कि हंगामा होगा कई मुद्दों को लेकर, जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, कहीं महंगाई तो कहीं नौजवानों को लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी विधायकों की। लेकिन इस धरना प्रदर्शन की सबसे खास बात यहां पर यह कि कांग्रेस के सदस्य भी इसमें शामिल हुए, तो एकजुट कहीं ना कहीं होकर सरकार के सामने चुनौती खड़ी करने की कोशिश में। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, कल भी मीटिंग हुई थी और आज प्रदर्शन के माध्यम से ये अपनी आवाज को उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी बात हुई कई विधायकों से, प्रतिपक्ष के नेता से अहमद हसन से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि
हम इसकी आवाज उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे, लेकिन सरकार बचती है, जवाब नहीं देती है, इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और ये आवाज जनता के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि किसानों के गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, किसानों की सब्सिडी हटा ली गई है, और उनके चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, क्रय केंद्रों पर उनका क्रय नहीं हो पा रहा है। सरकार पूरी तरीके से विफल है, कानून व्यवस्था को लेकर भी हमलावर हैं, विधायक यहाँ प्रदर्शन में भी हमलावर हैं, और सदन में भी कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा होगा, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, और जो तमाम भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, एग्जाम हुए थे, उसमें पेपर लीक मामला भी ये विधायक उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे विधायक आज पर अभी प्रदर्शन जारी किए हैं, 11 बजे के आसपास ये लोग सदन में जाएंगे, वहाँ पर राज्यपाल के भाषण के बाद सदन शुरू होगा, लेकिन उसके पहले विपक्षी एकजुट है और सरकार को घेरेंगे। बिल्कुल, सरकार के सामने चुनौती पेश करते हुए धरना यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने दिया जा रहा है।